नमस्कार आदाब, न्यूज 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। बीजेपी का कोलान स्तरीय परिवर्तन यात्रा संपन्न, उमड़ा जनसैलाब। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सादा हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना लगाया। उड़िया भाषाओं के साथ भेदभाव का आरोप, मरांडी मुंडा और मधुकोड़ा ने वही इनकार। कहा, राज्य में बहने लगी परिवर्तन की बयान। तबीयत खराब होने के कारण नहीं पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। समर्थकों में छाई मायूसी। कोलान स्तरीय भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा मंगलवार को चाईबासा से टाटा कॉलेज मैदान में संपन्न हो गई। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल हुए। अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान उड़ीसा के CM ने सिंहभूम संसदीय सीट के 3 विधानसभा सीट जगन्नाथपुर, मंझगांव और चाईबासा में सभाएं की। बता दें कि तीनों ही विधानसभा उड़िया बोर्ड क्षेत्र हैं। इस दौरान श्री मांझी ने झारखंड सरकार पर उड़िया भाषियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। साथ ही सभा में मौजूद उड़िया भाषियों से इस बार के विधानसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी की सरकार बनाने का संकल्प दिलाया। मंगलवार को परिवर्तन यात्रा सभा के समापन के अवसर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा ने भी सभा को संबोधित किया और परिवर्तन यात्रा क्यों निकाली गई इससे कोलान की जनता को अवगत कराया। वैसे इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को भी शामिल होना था, मगर ऐन मौके पर उनकी तबीयत खराब हो गई और वे कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके, जिससे समर्थकों में मायूसी देखी गई। कुल मिलाकर कहें तो आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की ओर से निकाली गई परिवर्तन यात्रा का कोलान में मिला जुला असर देखने को मिला। इसमें स्थानीय नेताओं से ज्यादा बाहरी नेताओं की भरमार रही। सभा दर सभा लोगों की भीड़ तो उमड़ी, मगर भीड़ वोट में तब्दील होती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। होगा कि आप चुनाव का वक्त आ गया है और इस झारखंड प्रदेश में पिछले 5 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लोगों ने सरकार बनाई है और पिछले 5 वर्षों से लोगों ने इस राज्य में काम तो किया नहीं, लेकिन कमाया इन लोगों ने खूब। अगर हम कहते हैं कि सरकार काम किया नहीं, कमाने में लोगों ने 5 वर्षों तक लगाया और कहां कहां कमाया, नदी के बालू से कमाया, जंगल और पहाड़ के पत्थर से कमाया, लोहा से कमाया, कोयला से कमाया और यहां तक कि ट्रांसफर पोस्टिंग में भी कमाया और जमीन के भी बड़ी हेरा फेरी करके गरीबों को तो उपलब्ध नहीं कराया। CMT और SPT एक्ट का भी फर्जी वाला करके उसको भी बेच करके इन लोगों ने पैसा कमाया। यहां तक कि सेना की जमीन को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। इसको सुरक्षित होना चाहिए, हमारा झारखंड अलग राज्य बनना चाहिए। जब कांग्रेस का शासन इस देश में चल रहा था तो यहाँ के लोगों ने इस मांग को लेकर के आंदोलन खड़ा करने का काम किया। उसी का परिणाम था कि गोवा में 11 से अधिक आदिवासियों को कांग्रेस की गोली का शिकार होना पड़ा। इसी तरीके से खरसवां गोलीकांड हुआ, इसी तरीके से तिरुवंडी गोलीकांड हुआ। इसके पहले जैसे मैंने बताया, कई हमारे आंदोलनकारी अंग्रेजों के जमाने से लेकर के, चाहे वो सेरेक्सिया घाटी का हो, चाहे वो गोवा का गोलीकांड हो, ऐसे कितने लोगों ने आहुति दे करके झारखंड का सपना सजाया, लेकिन कांग्रेस हमेशा इसको गोली के बल पर दबाता रहा। कांग्रेस आज बहिष्कार करी, आज यहीं पर आज ओडिशा रे डबल इंजन सरकार प्रतिष्ठा करी छंती एवं से डबल इंजन सरकार रे दीगुना लाभ करिया पाई जाई। आज ओडिशा रे प्रतिष्ठित भारतीय जनता पार्टी सरकार एवं आज ओडिशा रे प्रतिष्ठित मोहन माझी सरकार जी कि आज आपण मानकर पाखरे ठी छिड़ाई आपण मानकर सहित कथा होउछन्ति एक आदिवासी नेतृत्व रे सरकार एही केंद्र सरे आपकर एही 50 किलोमीटर दूर रे मोर घर
आपण माने जदि मते गुहाट करिवे डाको देबे मोहन माझी हाजिर हे मु आपण मानको गोटे घंटा भीतर एही चाइ बसारे हाजिर हेबा भलिया एको सरकार देखति सबति सरकार आदिवासी मानकर विकास करिवा पाई संपूर्ण भाबे उड़िया समाज रे विकास करिवा पाई ए सरकार आजि मिलित भाबे ओडिसा रो झारखंड रो काम आगामी दिन जते बले परिवर्तन यात्रा रे एठी मध्य।